हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह, स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के ऊपर, यानी लोकल एनेस्थेसिया के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लोकल एनेस्थेसिया के अंदर कौन कौन सी अलग अलग क्लास है और उसके इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर, अलग अलग सॉल्ट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फार्मेसी से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस टाइप का वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आप सभी को ड्रग्स के बारे में बताना। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सा भी ड्रग्स ले, कोई सा भी मेडिसिन ले, तो एक बार फिजिशियन से ज़रूर संपर्क कर लें। फ्रेंड्स, लोकल एनेस्थेटिक दो टाइप का होता है, इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया यानी जिसे इंजेक्ट किया जाता है, और दूसरा सरफेस एनेस्थेसिया जिसे सरफेस पर लगाया जाता है। इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है, पहला क्लास है इसका लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी ऐसा क्लास जिसमें जिसके अंदर जो सॉल्ट है उसका पोटेंशियल पावर कम है और उसका एक्शन जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, एक कम टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके अंदर जो सॉल्ट है वो आते हैं प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन, ये दोनों सॉल्ट्स इसके अंदर आते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड उसका ड्यूरेशन, इसके अंदर जो सॉल्ट्स है वो है लिडोकेन और प्रिलोसिन, ये दोनों सॉल्ट्स इसके अंदर आते हैं। इसके बाद है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी ऑब्वियसली बात है जिस ड्रग का, जिस सॉल्ट का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, पोटेंसी ज़्यादा पावर का है, वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा समय तक रहेगा। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है टेट्रासिन, बुप्रा स्किन, रोपिवाकेन और डिब्यूकेन, ये सारे सॉल्ट्स इसके अंदर आते हैं। अब है सरफेस एनेस्थेसिया, यानी ऐसा एनेस्थेसिया जैसे किसी एक लोकल सरफेस पे लगाया गया और जहाँ उसे सर्जरी करना है या फिर कुछ करना है, तो ऐसे एनेस्थेसिया को सरफेस एनेस्थेसिया कहते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो पहला होता है सोल्यूबल, यानी ऐसा सॉल्ट जो सोल्यूबल हो, ठीक ना। तो इसके अंदर जो भी है वो है कोकीन, लिडोकाइन, टेट्राकाइन, प्रोपेराकाइन, ये सारे सॉल्ट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है इनसोल्यूबल सॉल्ट, यानी ऐसा क्लास का ड्रग जो कि इनसोल्यूबल हो। तो जो इसके अंदर है वो है बेंजोकाइन, ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट और ऑक्सीथाजीन, ये सारे सॉल्ट इनसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेसिया के अंदर इनसोल्यूबल क्लास में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।